मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाशिवरात्रि के मौके पर टिहरी में आयोजित किए गए मेले के समापन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री ओणेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन भी किए। सीएम ने मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने मंदिर परिसर में नवनिर्मित सभागार का भी लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम रावत ने ओणेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण, लंबगांव नगर पंचायत में पार्किंग निर्माण, स्वर्णखांड केंद्रीय विद्यालय, मदन नेगी खोला मार्ग का सुधारीकरण करने की घोषणा भी की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि टिहरी बांध के कारण सबसे ज्यादा दिक्कतें प्रताप नगर के लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। इसलिए सरकार ने एक मुश्त 80 करोड़ निर्गत कर पुल बनाने के कार्य में गति लगाई है। प्रताप नगर जो भारत विकास है, जो प्रताप नगर हमारी तहसील है, जो गंगा के और यमुना के दाया बाया किनारा है, ये कह सकते हैं उसकी लाइफ लाइन इसके लिए साबित होगा। और वर्षों से जो लोग फंड के अभाव में तमाम तरह की दिक्कतें होंगी, सब दिक्कतें दूर होंगी और यहाँ की जो लाइफ है वो स्मूथ होगी, लोगों को आसानी होगी आने जाने में, यही मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा जो आज यहाँ पर ओणेश्वर महादेव मंदिर का ये चौथा शिवरात्रि का मेला था, भगवान से सबके मंगल की मैंने कामना की। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सर कर्मचारी आंदोलन की राह पर है, सरकार का क्या रुख है? बातचीत करके हमारे कर्मचारी हमारे भाई बंधु है, कोई रास्ता नहीं। सर कैबिनेट विस्तार की कब तक उम्मीद करें? हो जाएगा, आपको खबर कर देंगे। इसके अलावा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने 2022 तक हर गांव में सड़क पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। टिहरी से सूर्यप्रकाश रमोला की रिपोर्ट।